पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम बोर्ड की बैठक महापौर विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में शुरू हुई। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, नगर निगम कार्यकारिणी के उप सभापति डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उपनेता सदन सुरेंद्र बिश्नोई ने सबसे पहले अपनी बात रखी और बैठक में कार्रवाई की पुष्टि का प्रस्ताव रखा। आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन की जानकारी देने की भी मांग की गई। वहीं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास ने कहा कि सदन में नगर निगम की जनता के लिए सभी आवाज उठा रहे हैं, ये सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता लागू होने वाली है, इससे अगली बैठक जून में ही हो पाएगी, इसलिए रूटीन के कार्य बाधित न हो इसकी व्यवस्था अभी से कर ली जाए। उन्होंने अपने वार्ड में समस्या के अस्थायी समाधान होने की जानकारी भी दी, कहा कि इसका अस्थायी समाधान किया जाए। उन्होंने बुद्धि विहार फेज 2 में जहां नगर निगम का क्षेत्र भी नहीं है, निगम के कर्मचारियों द्वारा दादागिरी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहां निगम क्षेत्र है ही नहीं, वहां जाकर टैक्स वसूलने का औचित्य क्या है, इसे सुनिश्चित करना होगा। पार्षद गौरव श्रीवास्तव ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में मनमानी और ट्री गार्ड लगवाने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए 15 वित्त से 40 लाख रुपए का प्रस्ताव करने के लिए कहा। इसको चलाना सर जब नहीं है, और उसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है वो बीमारी है और पे जिम्मेदार होगा। मैंने कहा कौन इसका अधिकारी है, आप जरा मुझे खड़ा होकर बता दीजिए उस कौन से देख रहा है। उसी के बाद लॉजिक प्रूफ कंपनी और ये अभिषेक जी और ये जल निगम वाले बड़े बड़े अभी यही खड़े होके अपनी पूरी बात बताएंगे, अपनी पूरी बात बताएंगे एंड में। पर अभी बोल रहे हैं इस पे मुझे स्पष्टीकरण दे। मैंने बोल दिया है अपना आप पका सुझा जवाब ये है उस साइड नाला भी बनाई ही नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे अरे भाई साहब बन गए तो आप तो दोबारा बनवा दो। वो जो है मनमानी की कृपा करें और साथ ही जो है आज नगर निगम में लोकसभा चुनाव के पहले की संभवतः ये बैठक थी आखिरी, और मूल बजट अभी 13 तारीख को कार्यकारिणी में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें पहले वाले सारे पुनरीक्षित बजट और उन सब पे चर्चा होने के बाद उन्हें पास कर दिया गया, नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई, और आगे जो मेन मुद्दे थे आज स्मार्ट सिटी के थे, उसमें आ रही सभी दिक्कतों से थे। आज जल निगम के अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुला के एक्शन को बुला के उससे सवाल जवाब किए गए और उसने सारी समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ साथ आज सफाई के ऊपर बहुत बड़ी चिंतन हुई, चाहे वो डोर टू डोर कंपनी हो, चाहे वो अपने लोकल के कर्मचारियों के माध्यम से, उन सब पे सफाई के ऊपर विशेष चर्चा हुई और पॉलीथीन मुक्त मुरादाबाद बनाने का संकल्प को दोहराया गया। इसके अलावा लाइटें, जो 100-100 लाइटें अभी सभी वार्डों में लगाई जा रही हैं त्योहारों के मद्देनज़र, सड़कों के ऊपर चर्चा हुई, पानी पेयजल जो आ रही है, कहीं कहीं पानी गलत आ रहा है, कम आ रहा है, उन सब पे भी काफ़ी चर्चा हुई और सबका समय पे निस्तारण किया गया। अतिक्रमण के ऊपर भी कई जगह हुआ, कई कई भूमियों पे कब्जे हो रहे हैं हमारी, उनके ऊपर हमारे माननीय पार्षदों ने ध्यान इंगित कराया, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए व्यू रचना बनाई गई। बस आज इसी बात पे आज शांतिपूर्वक तरीके से पूरी बैठक 7 घंटे लगातार मैराथन 11 बजे से 6 बजे तक ये संपन्न हुई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।